हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कि सैमसंग का FRP कैसे बाईपास करते हैं, जैसे कि J1 AC हो गया, J1 6 हो गया, J2 हो गया, J2 6 हो गया, J2 Pro, J2 18, J5, J7, J6, इन सभी का FRP आप बाईपास कर सकते हैं इस मेथड से। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ दोस्तों, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जितना मैंने मॉडल बोला है सब में एफ काम करेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या और कैसे कैसे करना है, किन किन वेबसाइट में जाना है और किन किन वेबसाइट से जाके इसे बाईपास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट दे लेते हैं, उसके बाद अपने फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें FRP लगा है या नहीं लगा है, यानी कि गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, वरना आपको टाइम आपका बर्बाद होगा। अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बोला है वेरीफाई योर अकाउंट, यूज योर गूगल अकाउंट, यानी कि इसमें FRP लक लगा हुआ है, ये गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। तो हमें बैक आना है इसे बाईपास करने के लिए। आपको होम बटन को 3 बार प्रेस करना है इसका टॉक बैक ऑन करने के लिए। देखिए, मैंने 3 टाइम इसे प्रेस किया तो ये टॉक बैक एनेबल हो चुका है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो खुला है ना, इसमें यल ड्रॉ करना है ऐसे करके। तो मैं यल ड्रॉ करता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमें और कहीं पे भी नहीं जाना है, टॉक बैक सेटिंग पे जाना है। तो टॉक बैक सेटिंग को ऑन कर लेते हैं। दोनों फिंगर से स्वाइप करना है तो आप नीचे जाएंगे, एक फिंगर से करेंगे तो आपका ये डिस्प्ले में काम ही नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक पे जाना है। तो हेल्प एंड फीडबैक पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब हमें टॉकबैक को अब हमें ऑफ करना है। तो फिर से हमें होम बटन को 3 बार प्रेस करना है दोस्तों, क्विकली 1 2 3। देखिए, हमारा टॉकबैक ऑफ हो चुका है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे ऑफ नहीं हुआ है। अगर ऐसे ऑफ नहीं हो दोस्तों, मेरा होम बटन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को एक साथ प्रेस करेंगे देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमारा टॉकबैक ऑफ हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे आपको मैं पहले YouTube का मेथड बताऊंगा, इसमें देखते हैं YouTube वाला मेथड काम करता है या नहीं करता है। तो हमें यहाँ पे जाना है अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए YouTube का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ये YouTube वाला ऑप्शन इसमें मेथड इसमें काम कर दिया। तो अब इससे आगे हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे एक लिंक टाइप करना है, मैं उस लिंक यहाँ पे लिख देता हूँ, adroam.com/bypass। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस साइड में आने के बाद आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है दोस्तों, इसका वर्जन देखने के लिए, एक कितने वर्जन का है। तो स्क्रॉल स्वाइप करेंगे और अबाउट फोन पे जाएंगे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। तो इसका देखिए एंड्रॉइड वर्जन 7 है दोस्तों और इसके बिल्ड नंबर 3 है। तो ये डेवलपर ऑप्शन नहीं ऑन होगा। तो इसे बैक आते हैं और हमें सबसे पहले हमें क्या करना है,
सबसे पहले दोस्तों हमें करना है कि आपको यहाँ पे जाना है लॉक एंड सिक्योरिटी, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी पे, और यहाँ पे जाके आपको अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, इस पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ लिखा है फाइंड माई डिवाइस पे इसे डीएक्टिवेट करना है दोस्तों। तो डीएक्टिवेट कर लिए हम, तो उसके बाद बैक आना है, फिर से बैक आना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाना है, एप्स जो लिखा है इस पे, तो उसके बाद यहाँ पे दो तीन एप्लीकेशन है उसे आपको ऑफ करना है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा एप्लीकेशन। सबसे पहले यहाँ पे आपको जीमेल को ऑफ करना है, तो जीमेल को पहले इसे फोर्स स्टॉप उसके बाद डिसेबल करना है। देखिए ये डिसेबल हो गया। उसके बाद आपको गूगल प्ले सर्विस को इसको भी डिसेबल करना है। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर है इसको भी डिसेबल करना है। उसके बाद बैक आना है, और कोई भी ऐप को आपको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों। अब हमें बैक आना है और यहाँ हमें डाउनलोड करना है FRP Android 7, इसको डाउनलोड करना है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सॉरी दोस्तों मैंने मिस्टेक बताया, आपको FRP एड्रोम को इसको डाउनलोड करना है। तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ये एड्स है, इसे क्लोज करिए, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, तो हमें इसे बैक कर लेना है। यहाँ बुक मार्क पे आना है दोस्तों हमें, उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री, उसके बाद डाउनलोड हिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो हमें क्या करना है, FRP ओड्रोम को इंस्टॉल करना है, सेटिंग, उसके बाद अननोन सोर्स, अलाउ दिस इंस्टॉलेशन ओनली, इसे अनटिक करके ओके करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल होने देते हैं दोस्तों। आप वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिए दोस्तों, इसे ओपन नहीं करना है दोस्तों, इसे हमें डन करना है। उसके बाद हमें बैक आना है, बैक आएंगे तो फिर से वही वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है एक बार जो हमने तभी खोला था। फिर से हमें सेटिंग पे जाना है दोस्तों, ये सेटिंग ऐप लिखा है ना, इसको ओपन करना है। उसके बाद हमें क्लाउड एंड अकाउंट पे जाना है, और यहाँ पे अकाउंट लिखा है इस पे क्लिक करके फिर एड अकाउंट पे जाना है, और यहाँ पे देखिए गूगल का ऑप्शन आया हुआ है, तो हमें यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे कोई भी एक जीमेल अकाउंट और पासपोर्ट यहाँ पे इंटर करना है। तो पहले हम एक जीमेल अकाउंट डाल देते हैं, मैं पासपोर्ट इंटर कर लेता हूँ दोस्तों, आप भी अपना पासपोर्ट इंटर कर लीजिएगा। तो मैंने पासपोर्ट इंटर कर लिया है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद एग्री। तो हमारा गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट हमारा सक्सेसफुली इसमें साइन इन हो चुका है। तो हमें बैक आना है, फिर से बैक आना है, उसके बाद हमें यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाना है जो हमारा डिसेबल हुआ था, उसे इनेबल करना है। तीनों एप्लीकेशन को इनेबल करिए, और उसके गूगल प्ले सर्विस को भी इनेबल करिए, उसके बाद गूगल प्ले स्टोर को भी इनेबल करिए। उसके बाद बैक आना है आपको, उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी पे जाना है, अदर सिक्योरिटी सेटिंग, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, इसको हमें ऑन कर लेना है दोस्तों। फिर से हमें
इसे नहीं करना है दोस्तों, फाइंड माई डिवाइस को नहीं करना है, बैक आना है, फिर से बैक आना है और मोबाइल को रिबूट करना है दोस्तों। इसे स्विच ऑफ करके ऑन करना है, यानी कि रीस्टार्ट दे देते हैं। इससे हम ऐसा मेथड बता रहा हूं दोस्तों आपको कि सैमसंग का कोई भी एंड्रॉइड वर्जन 7 का FRP लॉक होगा तो इसी मेथड से आपको बाईपास करना है। आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे अच्छी तरीके से देखिए। तो इसे स्टार्ट दे देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अकाउंट एडेड FRP fixer@gmail.com इज रेडी, यानी कि इसमें अकाउंट सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट देना है। तो यहाँ पे मुझे डोंट रिस्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लॉक टाइप के लिए बोल रहा है, तो हमें नॉट नाउ देना है। यहाँ पे सैमसंग अकाउंट को स्किप करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो मोबाइल है ये कम्प्लीटली FRP बाईपास हो चुका है। मगर मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करूंगा, ये ऑन तो हो गया है दोस्तों, मगर ये अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए और एकदम अच्छी तरीके से इसे इसका FRP बाईपास करना है तो दो तीन मिनट लगेंगे दोस्तों, आप मेरे स्टेप को फॉलो करिए। ये ओपन तो हो चुका है, मगर आपको मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसा कर रहा है, तो आपको मेरे बताए हुए स्टेप को फॉलो करना है। आप यहाँ पे जाइए सेटिंग पे और यहाँ पे सबसे नीचे स्वाइप कीजिए, अबाउट फोन पे जाइए और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन बिल्ड नंबर को 7 बार क्लिक करिए, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद बैक आना है, डेवलपर ऑप्शन पे जाना है, OEM अनलॉक को ऑन करना है और USB डिबगिंग को भी ऑन करना है। उसके बाद बैक आना है आपको, अकाउंट पे जाइए, अकाउंट गूगल अकाउंट इसको रिमूव कीजिए। कोई भी टेक्नीशियन आपको नहीं बताएगा दोस्तों, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट वे है अगर आपको अच्छी तरीके से कोई भी लक बाईपास करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे जाइए जनरल मैनेजमेंट, उसके बाद रिसेट, अब इसे फैक्ट्री रिसेट कर दीजिए एक बार। तो देखिए दोस्तों सेट ऑन हो चुका है, तो इसे मैं फटाफट सेटअप कर लेता हूं। आपको भी ऐसे ही सेटअप करना है जैसे मैं करता हूं। अब जाके दोस्तों हमारा काम कंप्लीट हुआ। ये सबसे, अगर आप जो नया मोबाइल खरीदते हैं ना, जैसा उसका मोबाइल आपका रहता है, आपका मोबाइल अब वैसा हो गया, तो इसलिए इसे करना जरूरी है दोस्तों। और आपका फोन जो तभी बाईपास हुआ था उससे 100% अभी इसे बोल सकते हैं कि ये बाईपास हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ट्यूटोरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कोई भी आपको कहीं पे भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।